हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डॉगीज लाइफ और मैं हूं आपके साथ राज। और आज जो मुद्दे पे आज आपके सामने लाएंगे, और ये मुद्दा आप लोगों ने अगर नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको थोड़ा बहुत पता है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो आज जो मुद्दे पे आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो है आपका स्काईलार्क कैनल। स्काईलार्क कैनल के बारे में बहुत लोग जानते हो, खास करके जो लोग रॉटविलर के साथ जुड़े हुए हो, और इनका ओनर का नाम भी आप जानते हो, दीपक सिंह गुल खिला चुके हैं। और इसका जो रिजल्ट वो उनको अभी मिला है, तो क्या गुल खिला रहा है, खिला चुके हैं वो, उसके बारे में थोड़ा आपके सामने रख रहा हूं। ये बहुत सारे डॉग्स के आपका पेपर के साथ बहुत ही छेड़छाड़ कर चुके हैं, और आज जो बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं, क्योंकि मीरठ के ये आपका दीपक जो है, ये आपका जो फेक आपका डिग्री होता है, वो आपका वेटरनरी का हो, चाहे आपका LLB का हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन का हो, कुछ भी जो फेक डिग्री है वो डिग्री दिलाने का काम करते थे। और ये फेक डिग्री के दिलाने के लिए लोगों से बहुत मोटे मोटे रकम ले चुके हैं। और नॉट ओनली दैट, क्योंकि पैसा लेके जो है, जो आपका वो काम कर रहा है, पैसा लेके जो वो डिलीवर कर रहा है, वो तो गलत काम है। क्योंकि आप जानते हो फेक चीज जो है, फेक चीज हमेशा गलत होता है, ठीक है ना। तो वो फेक चीज में भी वो उसमें भी फ्रॉड किया है, क्योंकि लोगों को पैसा ले लेते थे और आपका वो जो काम वो लोग करने के लिए देते थे वो काम भी नहीं करता था। और नॉट ओनली ये जो गवर्नमेंट का सरकारी नौकरी के लिए भी ये मिस्टर दीपक बहुत पैसा ले चुके हैं। और मैं किसी का नाम ये वीडियो में मैं नहीं ले रहा हूं, दो चार पार्टी उसके ऊपर पुलिस केस भी कर चुके हैं। और क्या है मैटर, वो आपका वो चेक दे दिया है, किसी का 10 लाख, किसी का 6 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 3.5 लाख पैसा लेके जो चेक दिए है, वो चेक आपका बाउंस हो गया है। तो हाल ही में एक बरेली का एक मैटर हुआ है, सेम चीज, उसका चेक बाउंस हो गया है, और उसके आधार पे उसको पुलिस ने आपका अरेस्ट कर लिया। और इससे पहले आप जानते थे वो दीपक को बहुत मार पड़ी थी, उसका फोटो वीडियो है मेरे पास, लेकिन वीडियो दे नहीं सकते, मतलब हम सोशल मीडिया में देना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारा बच्चे भी देखते हैं मेरा चैनल। मैं कुछ फोटो आपको दिखा देंगे, उसको बहुत मार पड़ा था। और ये दीपक जो है इंपोर्ट के नाम पे बहुत लोगों से लूट चुका, क्योंकि ये पैसा तो मोटे मोटे पैसा लिए, लेकिन आज तक एक भी कुत्ता कोई बंदे को डिलीवर नहीं किए अभी तक, ठीक है। तो ये फ्रॉड बंदे को आज जो गिरफ्तारी हुआ है, ठीक है, तो आप लोग जानते हो या नहीं वो पता नहीं है, जो लोग नहीं जानते वो लोग अपना कानूनी कार्रवाई करो, क्योंकि देखो यही चांस है आप लोगों को पैसा, अगर जो आपका बनता है पैसा आपके पास, अगर कुछ अच्छा प्रूफ है तो वो प्रूफ सबमिट करके आप जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करो, क्योंकि अभी पैसा मिलने का चांस है, अगर लेट हो जाएगा
तो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। तो यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा फेक बंदों से, ऐसा फेक बंदों से दूरी बजाय बना के रखना ही समझदारी का काम है। और अगर आपको डॉग इंपोर्ट करना है तो अच्छे जो बंदे हैं ना, तो वो बंदों से आप कांटेक्ट करो और वो बंदे से ही आप लेके आओ। और ऐसा फ्रॉड के चक्कर में पड़ोगे आप, पैसा भी बर्बाद होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसीलिए आप ये लोगों से बच के रहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में हो रहा है बोल के नॉर्थ इंडिया के सारे लोग गलत है। हर जगह नॉर्थ बोलिए, ईस्ट बोलिए, वेस्ट बोलिए, कहीं भी बोलो, ऐसा फ्रॉड बंदे हैं। और फ्रॉड बंदा हमेशा अच्छे लोगों को लूट के चुपचाप है कोई बंदा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना, सामने आने में डरता है, हिचकिचाता है, लेकिन ये लोगों को ना मौका मत दो, ये लोगों को मौका मत दो। क्योंकि बचपन में आप लोग सभी, मैं भी ठीक है, मेरा मम्मी का पिताजी का चांटा खा खा के सीखे, आप लोग भी खाए होंगे। ये कोई मतलब कोई बोल नहीं सकता कि मैंने चांटा नहीं खाया, सभी चांटा खाए हैं, ठीक है ना। तो ये लोग को कोई मौका ना दो, अगर ऐसा होता है ठीक है, जो करना है भाई करके पैसा हासिल कर लो। क्योंकि आपको अगर देखो पैसा आपका ज्यादा है तो धन धन कर लो, कोई बात नहीं है, कोई गरीब को दे दो, कोई ये नहीं है, लेकिन ये फ्रॉड को मत, आपको लूटने मत दो, ये बोलना है। और ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं। और जो जो लोग डॉगिस लाइफ से प्यार करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल, सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ बोलने का नहीं है। और देखो जो लोग हमसे प्यार नहीं करते हैं, क्या बोलूं मैं, वो उसका खुद का ये है, लेकिन मेरे से किसी का देखो दुश्मनी नहीं है। मैं देखो जो काम गलत है ना, वो गलत के खिलाफ मैं बोलने वाले हैं, ठीक है, वो मेरे से नहीं मतलब होगा कि मैं चुप रहूं, वो नहीं होगा, ठीक है। तो जुड़ा रहिएगा डॉग इज लाइफ के साथ। तो मिलते हैं और एक नया वीडियो में।